बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद उल फितर से पहले रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम में लगने वाले सूरज ग्रहण के लिए तैयार हो जाएं। यह ख़तरनाक सूरज ग्रहण कब लगेगा, ईद उल फितर पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, बहुत शुक्रिया। तफसीलात के मुताबिक सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। ये पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 12:07 पर शुरू होगा और 1:46 पर ख़त्म होगा। इस दिन पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का 28वां रोज़ा जबकि सऊदी अरब में 29वां रोज़ा होगा। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि ईद उल फितर के चांद पर सूरज ग्रहण के क्या असरात होंगे। सऊदी अरब में 29वें रोज़े वाले दिन सूरज ग्रहण की वजह से शवाल का चांद नज़र नहीं आएगा। 30 रोज़े होने पर 10 अप्रैल को ईद उल फितर मनाई जाएगी, जबकि पाकिस्तान में 29 रोज़े मुकम्मल होने पर शवाल का चांद नज़र आने के कभी इम्कान मौजूद हैं और इस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक ही दिन ईद मनाई जाएगी।